नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मार्केट के जैसा नारियल का लड्डू घर में बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से, बिना घी, बिना मावा, बिना चाशनी के। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये देखिए, बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं फटाफट से नारियल का लड्डू। तो इसे बनाने के लिए हम दो नारियल ले लिए, इसे अच्छे से ब्लैक वाला लेयर हटा दिए हैं। आप चाहे तो लेयर के साथ ही बना सकते हैं, पर लेयर हटा देने से साफ साफ बनता है। अब इसे मिक्सी जार में डालकर हम बारीक पीस करके तैयार करेंगे। पूरा बारीक पीसना है, नारियल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बड़ा साइज का भी नहीं। तो सारे को हम पीस करके एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम इसे भूनेंगे, वो भी बिना घी के। तो एक कढ़ाई में हम सारा पिसा हुआ नारियल डाल देंगे और गैस का जो फ्लेम है लो टू मीडियम रखेंगे और इसे आप चलाते रहें, लगभग 7 से 8 मिनट चलाएं। उसके बाद ये अच्छे से भुना हुआ हो जाएगा, तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए इसका, तब आप लंबे समय तक थोड़ा स्टोर कर सकते हैं। तो लगभग ये हमारा अब होने चला है। तो अब हम इसमें एक कटोरा मिल्क का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, पर मावा को भूने नहीं ज़्यादा, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा। नारियल पाउडर में ये दूध पाउडर डालने से होता क्या है कि नारियल का नमी भी अब्जॉर्ब कर लेता है और बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे से होता है और खाने में बिल्कुल मार्केट के जैसा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसे पूरा ठंडा होने देंगे, तब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें पिसा हुआ चीनी डालेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीनी आपका मेल्ट हो जाएगा तो लड्डू आपका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। 6 से 7 इलायची पाउडर डाल दिए हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिला लेने के बाद हम बनाना शुरू करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो आपको जिस साइज का लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप लीजिए और हल्के हल्के हाथों से आप इसे प्रेस कीजिए, बहुत ही आसानी से बनकर के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमारा बनकर के तैयार हो गया। अब बिल्कुल मार्केट के जैसा लुक देने के लिए हम इसे नारियल पाउडर में कोट करेंगे। तो देखिए, ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा, तो इसी तरह हम सारा बना करके तैयार करेंगे। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या कभी भी आपको मीठा खाने का मन हो तो घर में आप फटाफट बना सकते हैं। और घी नहीं है तो ये आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और कोई टेंशन भी नहीं है कि मावा हमें चाहिए, घी, चाशनी चाहिए। जब मन करे तब आप फटाफट इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सारा लड्डू बन करके तैयार हो गया। तो देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा, वो भी बिना घी, बिना मावा, बिना चाशनी के। टेस्ट में बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका है। तो इसका टेक्सचर देखिए आप, वाव, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर ये तैयार लड्डू बहुत ही टेस्टी है। तो आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए नारियल का टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।